अगली आयत में देखें अल्लाह ताला बयान फरमाता है, दोबारा से इनका जिक्र करता है और कहता है आयत नंबर 80 के अंदर, वक़ालू लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामन मअदूदा, और वो ये भी कहते हैं, यहाँ पर सीगा जो आया है वो माजी का आया है, उन्होंने कहा। कुरान के अंदर बाज़ औक़ात कलाम की नस्बत से फ़ैल माजी का सीगा हाल भी जाहिर कर रहा होता है। उन्होंने कहा या वो कहते हैं, क्योंकि उनका ये कौल तसलसल के साथ कायम था, उन्होंने कहा तो था लेकिन वो कहने के बाद उनके अंदर राइज हो गया था, ये बात आज भी राइज है, इसलिए मैं तर्जुमा क्या कह रहा हूँ कि वो कहते हैं लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामन मअदूदा, हमें आग नहीं छू सकेगी, हरगिज़ नहीं छुएगी, इल्ला अय्यामन मअदूदा, मगर गिने चुने अय्याम के लिए। ये वो गलत फहमी है जिसने इंसानियत को हमेशा गुमराह किया है, ये वो गलत फहमी है जो हमेशा मज़हब परस्त लोगों के जहनों में पैदा करते हैं, और जब उनके जहनों में ये चीज़ राइज हो जाती है तो वो दिलेर हो जाते हैं बुराई के ऊपर। उनके जहन में ये बिठा दिया जाता है कि आप जिस मज़हब के ऊपर कायम हैं उस मज़हब के ऊपर कायम रहें, ये चंद आमाल हैं, इन आमाल को करने के बाद आप अगर दोज़ख में चले भी जाते हैं तो दोज़ख से निकाल के आपको जन्नत में डाल दिया जाएगा। ये उम्मत की अक्सरियत बता रहा हूँ मैं, उम्मतों की, उम्मत की नहीं खली, उम्मतों की अक्सरियत इसके ऊपर कायम है, उनका जहन बना हुआ है। आप किसी भी मज़हब का मुताला कर लीजिए, जिस मज़हब का मुताला करेंगे उस मज़हब के अंदर उन आमाल को करने वालों के बारे में आपको यही नज़रिया मिलेगा कि जो इन इन आमाल को पूरा करता है वो दोज़ख में जाने के बाद जन्नत में दौड़ जाएगा, अगर वो उस मज़हब का मानने वाला है। आप मज़ाहिब पे ज़्यादा लेना शुरू कर दीजिए, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, हिंदुज़म हो, ज्यूइश हो, जूडिज़म जिसको कहते हैं आप, या फिर क्रिश्चियनिटी हो, बड़े बड़े मज़ाहिब ही हैं, इन मज़ाहिब के अंदर यही तसव्वुर पाया जाता है कि अगर आपने ये फुला फुला आमाल कर लिए हैं तो आप एक ना एक दिन दोज़ख से जन्नत में ज़रूर जाएंगे, हेवन में ज़रूर जाएंगे, स्वर्ग में ज़रूर जाएंगे, या जो भी उनके मुख्तलिफ नाम उनके मज़ाहिब में रखे हुए हैं जन्नत और दोज़ख के, वहाँ जन्नत में ज़रूर जाना है। उम्मत मुस्लिमा के अंदर भी ये नज़रिया मौजूद है, उम्मत मुस्लिमा के अंदर भी ये कहा जाता है कि अगर आपने कलीमा पढ़ लिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसकी हैसियत को मैं वाज़े कर चुका हूँ, इस कलीमे की हैसियत, तो आपको जन्नत में ज़रूर जाना है। अल्लाह ताला अपनी रहमत से आपको दोज़ख से निकाल के जन्नत में दाखिल कर देगा। बल्कि बाज़ लोगों का मानना तो ये भी है कि दोज़ख जो है वो जो आपकी पाकीज़गी का बाइस बनेगी, बहुत से उलमा का ये मानना भी है कि अगर जिसको दोज़ख में डाला जा रहा है तो उसके गुनाहों को झाड़ने के लिए डाला जा रहा है ताकि वो पाकीज़ा हो जाए, पाक हो जाए, और पाक होकर वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, गोया कि वो दोज़ख को हस्पताल समझ रहे हैं कि वहाँ तकलीफ़ें और बीमारियाँ दूर होंगी और जन्नत में जाके जन्नत में जाने के काबिल हो जाएगा। जैसे हम जाते हैं ना शिफा खाने में, जाते हैं इलाज करवाते हैं ताकि हम घर पर वापस आ सकें, वो हॉस्पिटल समझ रहे हैं शायद दोज़ख को, अल्लाह ताला दोज़ख से बचाए हम सब लोगों को। अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में कहीं भी ये इशारा भी नहीं किया है कि जो दोज़ख में जाने के बाद जन्नत में वापस चला जाएगा, बल्कि जिनके बारे में अल्लाह ने बयान फरमा दिया है कि वो दोज़ख वाले हैं तो दोज़ख वाले ही रहे हैं, और जो जन्नत वाले हैं वो जन्नत वाले रहेंगे, कहीं इशारतन भी जिक्र नहीं है। मैं भी आपके सामने आयत पढ़ने वाला हूँ। ये बड़ी गलत फहमी है जो पैदा हो गई है कि हम दोज़ख में जाकर दोबारा से हमारा ठिकाना जो है वो जन्नत है। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि ठिकाना व इलैहिल मसीर, जो दोज़ख वाले हैं उनका ठिकाना दोज़ख है, जन्नत नहीं है उनका ठिकाना, उनको वहीं लौटना है उनके आमाल के सबब से, अल्लाह की रहमत के सबब से कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा, इस बात को आप याद रखिएगा। अल्लाह के कानून के मुताबिक दोज़ख वाले दोज़ख में जाएंगे और जन्नत वाले जन्नत में जाएंगे।
وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا, इनसे ये कहते हैं कि हमें हरगिज़ आग नहीं छुएगी मगर कुछ गिने चुने दिनों के लिए. قُلْ इनसे कहो, اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا, क्या तुमने अल्लाह के पास से कोई अहद ले लिया है, वादा ले लिया है. فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ, तो फिर अल्लाह ताला तो अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करेगा. क्या तुमने अल्लाह के पास से कोई अहद ले लिया है, कोई वादा ले लिया है जन्नत में दाखिल होने का, तो फिर अल्लाह तो अपने वादे के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं करेगा. अल्लाह ताला ने ऐसा अहद लिया ही नहीं है किसी से कि तुम कैसे भी अमल करते रहो तुम दोज़ख़ में जाओ, ये वादा तो अल्लाह ताला ने किसी से नहीं किया. अगर ऐसा वादा अल्लाह ताला कर लेगा तो अल्लाह ताला अपने वादे का ख़िलाफ़ करेगा ही नहीं, हरगिज़ नहीं करेगा. अम तकूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून, या तुम वो बातें अल्लाह ताला पर घड़ते हो, वो बातें अल्लाह पर कहते हो जिसका तुम्हें ख़ुद भी इल्म नहीं है. तुम अल्लाह ताला के बारे में अल्लाह ताला पर वो बातें घड़ते हो जिसका तुम्हें ख़ुद भी इल्म नहीं है, जो तुम जानते ही नहीं हो तुम बातें अल्लाह ताला पर घड़ देते हो. ये मामला उम्मत मुस्लिमा के अंदर आज भी मौजूद है. उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत यही मानती आ रही है कि हम दोज़ख में जाके जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे. हमारे गुनाहों को, जो हमारे गुनाहों का बोझ था उसको उस शिफा खाने में जाके सही कर दिया जाएगा और फिर हॉस्पिटल से हम बिल्कुल सेहत याब होकर जन्नत में जाएंगे, बागात की सैर करेंगे ताकि अच्छी तरह चढ़ सकें और खा पी सकें, बागात के मज़े ले सकें, तंदुरुस्त होके आ जाएंगे ना दोज़ख से, और तंदुरुस्त होके फिर हम जाके अपने तवानाई हासिल करेंगे जन्नत में जाके. अल्लाह ताला ने ऐसा कोई अहद नहीं लिया, ना उनसे लिया था ना तुमसे लिया है. अम तकूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून, या तुम अल्लाह पर वो बातें कहते हो जिसका तुम्हें ख़ुद नहीं पता कि तुम्हारा क्या मामला है. आगे अल्लाह ताला ने फैसला बयान फरमाया, बला मन कसबा सय्यिअ, हाँ हाँ क्यों नहीं, मन कसबा सय्यिअ, जिसने भी कमाया बुराई को, व अहातत बिही खतीअतुहु, और उसकी ख़ताओं ने उसका इहाता कर लिया. देखिए बड़ा फ़र्क है इसके अंदर. एक तो ये है कि किसी ने कोई बुरा अमल किया, बुरा अमल करने के बाद उसको याद आ गया कि अब मुझसे ही बुराई हो गई है, अब मैं उस बुराई पर डटा नहीं रहूँगा. देखिए इसमें बड़ा फ़र्क है. तौबा का मतलब समझ लें, अरबी ज़बान में तौबा का मतलब होता है कि आप किसी रास्ते के ऊपर जा रहे हैं, आपको वहाँ पर दीगर कई रास्ते नज़र आ रहे हैं, आपने किसी जगह रास्ते को मुंतखब किया, आगे जाके आपको अंदाज़ा हुआ ये मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, फिर जहाँ से आप उस रास्ते पर गामजन हुए थे आप दोबारा उसी रास्ते पर लौट जाते हैं, इसको अरबी ज़बान में तौबा कहा जाता है. जिस जगह से आपने रास्ते का इंतखाब किया गलत रास्ते का, आप दोबारा उसी रास्ते के ऊपर वापस आ जाएं, इसको अरबी ज़बान में तावा या तूबू कहा जाता है, रजा लौट जाना वापस उसी जगह जहाँ से चले थे उधर वापस लौट के आ जाओ, इसको अरबी ज़बान में तौबा कहा जाता है. बड़ा फ़र्क है इसके अंदर. बला मन कसबा सय्यिअ, बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है. हाँ हाँ क्यों नहीं, बला का मतलब ये होता है जिसने भी बुरा अमल किया, बुराई को कमा लिया. अच्छा देखिए कमाने का भी लफ्ज़ पे गौर करना है, कमाया कैसे जाता है, आपके जिस्म से जो आपकी सलाहियतें हैं अल्लाह ताला ने आपको दी हैं उन सलाहियतों का इस्तेमाल करके ही आप कोई चीज़ हासिल कर सकते हैं, कमा सकते हैं. इसका मतलब ये है कि सिर्फ तसव्वुरात की बुनियाद पर अल्लाह ताला आपको दोज़ख में दाखिल नहीं कर रहा, जब तक वो तसव्वुरात आमाल की सूरत में आपके जिस्म से सादे नहीं हो रहे हैं. जैसे कि हम अगर बैठे रहें सोचते रहें तो हम कमा नहीं सकते, तो तसव्वुरात की बुनियाद पर अल्लाह फैसले नहीं कर रहा, इसी तरह तसव्वुरात की बुनियाद पर जन्नत में दाखिल भी नहीं करेगा. ये बड़ा बुनियादी नुक्ता है यहाँ पर कि मैं सिर्फ सोचता रहूँ और जन्नत बनाता रहूँ अपने दिमाग के अंदर, जन्नत हासिल नहीं हो सकती जब तक मैं उसके मुताबिक अमल नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो इक्तिसाब है, ये तो कमाई है आपकी, जितना कमाएँगे जितना कोशिश करेंगे इतना आपको हासिल हो जाएगा अजर.
इसलिए अल्लाह ताला ने इसको अजर कहा है, सवाब कहा है। देखिए सवाब का लफ्ज़ कितना ज़बरदस्त चुनाव किया है, सवाब का, सवाब के लफ्ज़ चाहता है कि आपकी सलाहियतों में तसर्रुफ़ हो, आपकी सलाहियतें उसमें तसरीफ होनी चाहिए, सर्फ होना चाहिए आपकी तवानाइयाँ। जब तवानाइयाँ सर्फ करेंगे आप तो जो उससे हासिल होता है उसको सवाब कहा जाता है अरबी ज़बान के अंदर। सवाब सऊब उस कपड़े को कहा जाता है जिसको हम पहनते हैं बार बार, जिस्म पर हम लगाते हैं पहनते हैं वो आपके काम आता है, फिर हम उतार देते हैं, फिर दोबारा लौट कर हमारे पास आता है। तो सवाब का मतलब होता है किसी चीज़ का लौट के आना। कोई बंदा सुबह ही सुबह उठ के मशक कर रहा है, वर्जिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पसीना निकाल रहा है, उसका कुछ जा रहा है ना, लौट के भी वापस आ रहा है, जो तवानाइयाँ उसको हासिल हो रही हैं ये उसका सवाब है। ये उसका सवाब है, लगता तो है कि जा रहा है, हमारे अंदर से पसीना निकल रहा है, हमारे हम हलकान हो रहे हैं, कुछ जा रहा है, लेकिन जो लौट के आ रहा है वो हमारा क्या होगा, सवाब कहलाएगा। भला मन कसब सय्यिअ, हाँ हाँ क्यों नहीं, जिसने भी बुराई का इक्तिसाब किया, वअहातत बिही खतीयतुहु, यहाँ देखें इस बुनियादी नुक्ते को समझना पड़ेगा कि आपके आमाल जो आपने तसव्वुर कायम किया है बुराई का, अगर आप फ़कत तसव्वुर कायम किए बैठे हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से आपकी जो पकड़ नहीं होगी जब तक कि आपके जिस्म से वो आमाल उसके मुताबिक सादिर ना होना शुरू हो जाएँ। मैंने एक मतलब बताया था कि हमारे जितनी भी सलाहियतें हैं ये अच्छी बुरी नहीं होती, बल्कि हमारा इनके तसर्रुफ में लेकर आना इनको अच्छा और बुरा बनाता है। जैसे कि मेरे दो हाथ हैं, ये मेरी सलाहियतें हैं, ये बिजाते खुद अच्छे या बुरे नहीं होते, मेरा अमल, मैं किस अमल के लिए इनका इस्तेमाल कर रहा हूँ वो इनको अच्छा और बुरा बनाते हैं। ये मेरे लिए बुराई का बाज़ी बन सकते हैं, मेरे लिए अच्छाई का बाज़ी बन सकते हैं, लेकिन उस वक्त जबकि मैं इनसे कोई अमल लूँ, सिर्फ गुमान करता रहूँ बैठ के मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, नहीं। तो भला मन कसबा सय्यिअ, आगे का नुक्ता देखिएगा, वअहातत बिही खतीयतुहु, सिर्फ कमाया नहीं बल्कि उसकी बुराई ने उसका इहाता कर लिया है, घेराव कर लिया है, वो घेरे में आ गया है बुराई के, उस घेरे से बाहर निकल ही नहीं, उस घेरे से बाहर निकल ही नहीं रहा, कोशिश ही नहीं कर रहा निकलने की, जहाँ चला गया वहीं चला गया, लौट के आ ही नहीं रहा कि भाई मैं लौट के जाऊँ, जिस जगह से मुझसे मंजिल गलत चूज़ कर ली गई है मैं उसी जगह वापस लौटूँ और मंजिल सही मंजिल की तरफ गामजन हूँ, लौट नहीं रहा, तौबा नहीं कर रहा, इसको तौबा कहते हैं अरबी ज़बान में, तौबा नहीं किया उसने ज़बान से नहीं बल्कि जहाँ से उसने गलत कदम उठाया है वहीं वापस आएगा और सही कदम की तरफ जाना, सही कदम उठाएगा, मंजिल का तयन सही करेगा। वहात भी खती हुआ तू, यहाँ अल्लाह ताला ने उन लोगों के बारे में वाज़े कर दिया है, इस आयत में बिल्कुल वाज़े है कि अगर कोई काम बुरा हो जाता है तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, वही इशारा है ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अगर तुमसे कोई बुराई हो जाती है तो इस पर कोई पशमाने की बात नहीं है, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत का मतलब अल्लाह ताला तुम्हारी सलाहियतों में मज़ीद तकवीत बख्शेगा अगर तुम लौट जाओगे अपने बुरे काम से अच्छे काम की तरफ। जगह जगह अल्लाह ताला ने फरमाया इल्लल्लज़ीने ताबू, बड़े बड़े गुनाहों के बाद, शिर्क कत्ल जैसे गुनाहों के बाद अल्लाह फरमाता भी आगे आयत आएंगी, इल्लल्लज़ीने ताबू, अलबत्ता मायूस मत हो, अगर तुमसे कोई गुनाह हो गया है, बुराई कमा ली है, तो तुम ताबू लौट जाओ उस काम से जहाँ तुमसे गलत कदम उठ गया है, वह असलहू, और अच्छाइयाँ करना शुरू तो करो, इसलाह का पहलू तो अपने अंदर लेकर आओ, जहाँ गलती हुई है उसकी इसलाह करो, जहाँ गलती हुई है उसकी इसलाह करो। आप देखें जगह जगह लिखा होता है कुरान में सय्यिअ के मुकाबले में हसना आया है, कभी गौर किया नुक्ते के ऊपर, इदफा बिल्लती ही अहसन असय्यिअ, सय्यिअ को हसना के ज़रिए दूर करो आप,
हमारे यहाँ इसको बिल्कुल अलग तरह से बयान किया जाता है। कहते हैं कि अगर कोई बुरी बात कहता है तो सबसे अच्छी बात से रद्द करो। ये पूरा इहाता नहीं किए हुए है ये बात का, इदफा बिल्लती सिर्फ बात कहने की हद तक नहीं, बल्कि आपसे जहाँ भी बुराई हुई है आप वहाँ अच्छा ही पैदा करना शुरू कर दें। ये है इदफा बिल्लती या हसन सैया, जहाँ आपसे बुराई हुई है, जिस दर्जे में, जिस मकाम में, जिस वक्त में आपने कोई बुराई की है और आपसे वो अमल बुराई हो चुकी है, अब आप उसी मकाम में, उसी जगह पे अच्छाइयाँ बनना शुरू कर दें, अच्छाइयाँ बनना शुरू कर दें, तो वो आपके जो सही आए वो हसनात से बदल जाएंगे। हल जजाउल एहसान इल्ल एहसान होना शुरू हो जाएगा। अच्छाइयाँ जब आप करना शुरू कर देंगे, एहसान करना शुरू कर देंगे, हुस्न पैदा होना शुरू हो जाएगा। बेहतरीन नुक्ता है कुरान का, इसमें इंसानों की मायूसी को ख़त्म कर दिया है। लोग परेशान थे अपने गुनाहों से कि हमसे गुनाह हो गए हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो अपने गुनाह बुराइयों की वजह से अंदर ही अंदर मरना शुरू हो जाते हैं, घुलना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने वहाँ उनकी हिम्मत बंधाई है, इसको कहते हैं अरबी ज़बान में सलात। याद है सलात का मतलब मैंने क्या बताया था? हौसला अफजाइयाँ, नवीदें, बशारतें, साबित कदमी उनके अंदर पैदा करने की कोशिशें। कोई पीछे जा रहा है उसको आगे बढ़ने के लिए सहारा दिया जा रहा है, आगे बढ़ो, पीछे क्यों? अगर तुमसे गलती होगी तो मस्ता नहीं, आगे बढ़ो, अभी तुम्हारे पास पूरा जहां है। इन्ना अर्ज़ुल्लाह इन्नल अर्ज़ा वासिया व अर्ज़ुल्लाह वासिया, अल्लाह की ज़मीन वसी है। नेकियाँ बढ़ाते जाओ, अपने कदम को आगे बढ़ाते जाओ, पीछे नहीं हटना है। ये कितना बड़ा सहारा है। बला मन कसब सैय्यिअ व अहातत बिही खतियतुहु, लेकिन अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं बुराइयाँ करता जाऊँगा, मेरी बुराइयाँ फैलती जाएंगी, मैं वहाँ से लौटूंगा नहीं और फिर भी मुझे अच्छा मिल जाएगा, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये नहीं हो सकता, ये कानून के ख़िलाफ़ है। कानून क्या है कि अगर आपसे बुराई हुई है तो आप अपने बुराई से अच्छाई की तरफ लौटेंगे और अच्छाइयाँ पैदा करेंगे तो आपकी इस्लाह होगी। बलयामन के सबस से भी खतियत हो, हाँ हाँ क्यों नहीं, जिसने भी कोई बुराई कमाई है और उसकी बुराई ने उसका इहाता कर लिया है, आप जुमला देख लीजिए, फाउलाए का साबुन नार, तो वो आग वाला है, वो आग का साथी है। असाबुन नार हम फी हा खालिदून, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेगा। अब इसमें कोई गुंजाइश है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि दोजख जो है वो शिफायाबी की जगह है, सेहतमंदी की जगह है, वहाँ जाके हमारे गुनाहों की खुलासी होती है, हमारे गुनाह साफ़ होते हैं, हम पाकीज़ा होते हैं वहाँ जाके, जैसे कि भट्टी में डाल दिया जाता ना सोने को साफ़ करने के लिए, वो ये समझते हैं कि भट्टी में जा रहे हैं साफ़ होने के लिए। अरे भट्टी में सोना कितनी तकलीफें झेल रहा है वो नहीं देख रहे हैं, उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। हम फीहा खालिदून, वो हमेशा उसमें रहेंगे जो दोजख वाले हैं। और अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया, इहाता नहीं करना चाहिए बुराइयों का, लौट जाना है, बुरा अमल हो गया है वहाँ से लौट जाना है। अगर तुम्हारी गलतियों ने इहाता कर लिया है, घिराव कर लिया है, तो अब तुम्हारा ठिकाना सिर्फ दोजख है, इसके अलावा कुछ नहीं। आगे भी फैसला देख लें, वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस सालिहात, दोनों वाज़े कर दिए हैं, अब तो मेरे ख्याल से गुंजाइश ही नहीं थी इसके बाद ये बात सोचने की भी, गुमान करने की भी। वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस सालिहात, और वो लोग जो ईमान ला चुके हैं, इत्मीनान पा चुके हैं, कानून मान चुके हैं, वअमिलुस सालिहात, जगह जगह कैद ईमान के साथ अमल सालेह किए हैं। सिर्फ कानून को मान लेने से क्या होगा, कानून पे अमल तो करो। हर जगह का मामला यही है। माँ बाप को कहते रहे कि माँ बाप है मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, बात नहीं मानूंगा, जो कहेंगे वो नहीं बनूंगा अमल, तो कैसे बेटे हो तुम? फिर तुमने कैसे बाप माना है, तुमने कैसे माँ माना है, तुमने कैसे ये बोल दिया कि बाप माँ इज़्ज़त करता हूँ? इज़्ज़त करके दिखाओगे तो माना जाएगा कि इज़्ज़त करते हो। सिर्फ ज़बानी कलामी तो मैं तुमसे कहता रहा हूँ, मैं तुम्हें खिलाऊँ नहीं, तुम मानोगे बाप मुझे, तुम मानोगे मैं मुझे अपनी माँ, तुम भूख के टाइम पे बोलो मैं तुम्हें खाना खिलाऊँगी, पका के ही नहीं दूँगी। जब तो तुम बड़े दावेदार बन जाते हो, अपने ऊपर आता है बात करने के, तुम बड़े वो बनते हो कि मैं तो बेटा तो हूँ लेकिन खिदमत नहीं करूँगा, बात नहीं मानूंगा,
तो दावे में सच तो अपने अमल से करके दिखाओ ना। दुनिया के अंदर भी यही मामला है, आखिरत में अल्लाह ताला के नज़दीक भी यही मामला है। ये कानून है, फितरत का कानून है, ये इस फितरत का कानून कोई बदल नहीं सकता। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात, ईमान लाए हो तो अमल सवाले करना पड़ेगा। सिर्फ मान लोगे तो तुम्हारा कोई कुछ हासिल नहीं हो सकता। किसी मजदूर को मजदूरी के लिए बुलाओ, वो आपके पास आके बोले हाँ कर दूंगा, आपने मुझे कहा मैं मानता हूँ इस चीज़ को, आपका घर गंदा हो रहा है मैं साफ़ करूँगा, करे नहीं, मजदूरी देंगे, पैसे देंगे उसको सफाई करने के, बोले कर नहीं रहा, चल मानता तो है ना, ले ले पैसे, मैं तो पैसे दे देता हूँ, अजर दे देता हूँ। ये उजरत है, उजरत कब मिलती है? अमल करके मिलती है। सिर्फ मुंह से बोलने से, मैं अभी मुंह से बोलता रहा हूँ अपने, हाँ मैं आऊँगा कल पढ़ाने के लिए आपके यहाँ, आऊँ नहीं, हाँ आपके बच्चे कमज़ोर तो हैं, मुझे पढ़ाना तो है, पढ़ाने ही होते, आऊँ नहीं पढ़ाने के लिए, क्या ख्याल है आपको उज्जत मिलेगी उसकी काम की? तो ऐसे ही अल्लाह ताला से हम, यानी कि आप समझ लें दुनिया के अंदर ये सोच भी नहीं सकते हम किसी के बारे में, तो अल्लाह ताला के बारे में हम कैसे सोच सकते हैं कि बग़ैर अमल के हमें उज्जत मिल जाएगी? वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात, और वो लोग जो ईमान लाते हैं और ईमान लाने के साथ अमले सवाले करते हैं। अमले सवाले का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस्लाह, किसी चीज़ में दुरुस्तगी पैदा कर देना, तवाज़ुन पैदा कर देना, उसको बिल्कुल असली हालत में लेकर आ जाना, जैसे कि अल्लाह ताला ने इस कायनात का निज़ाम बनाया हुआ है। उलाइका असहाबुल जन्ना, उलाइका असहाबुल जन्ना, ये हैं जन्नत वाले। वो जन्नत वाले नहीं हैं जो समझ रहे हैं कि आमले सवाले नहीं करेंगे जन्नत वाले बन जाएंगे। हम फीहा खालिदून, यहाँ आगे बोलते हैं कि वो हमेशा जन्नत में रहेंगे। आप धोखे में तो देखें कैसा धोखा दिया हुआ शैतान ने इन लोगों को, यहाँ आके बोलते हैं कि नहीं वो तो जन्नत में ही रहेंगे, और दोज़ख वालों के लिए बोलते हैं कि दोज़ख वालों को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। जन्नत वालों के बारे में कभी नहीं सोचते जन्नत वालों को दोज़ख में दाखिल कर दिया जाएगा। कैसा धोखे में डाला हुआ है शैतान ने इन लोगों को। कानून तो दोनों जगह एक ही है ना। कभी आपने किसी भी आलिम के कहलाने वाले के मुँह से बात सुनी है कि जन्नत वालों को दोज़ख में डाल दिया जाएगा? वो तो आपको हमेशा यही पेश करेगा हम फिया खालिदुन, वो तो हमेशा उसमें रहेंगे जन्नत में। लेकिन जब दोज़ख वालों के बारे में हम फिया खालिदुन आ रहा है, तो वहाँ कह रहा है दोज़ख वालों को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। इसका मतलब है धोखे का शिकार है, गलत बयानी कर रहा है, कुरान फहमी गलत कर रहा है, वो सही पे गामजन नहीं है सही रास्ते के ऊपर। जब हम फिया खालिदुन दोनों जगह एक ही है, और तुम ये कह रहे हो कि जन्नत वाला दोज़ख में नहीं जा सकते, तो तुम दोज़ख वालों को जन्नत में क्यों लेके आना चाह रहे हो? क्यों उनको तुम वो दिलासे दे रहे हो जो इस पर अल्लाह ताला की तरफ से कोई वादा नहीं किया गया था? अम तकुलून अल्लाह मा तालमून, क्या तुम अल्लाह पे वो बातें कह रहे हो जो तुम्हें इल्म नहीं है? यकीनन तुम वही बातें कह रहे हो जिससे तुम्हें इल्म नहीं है। तुम्हारे मयार के अंदर तजाद है, तुम्हारे जो उसूल में तजाद है, एक जगह कुछ बनते हैं कभी कुछ बन जाते हैं। तुम लोगों का दिल रखना चाहते हो, सिर्फ लोगों को दिलासे देना चाहते हो, उनकी उम्मीदें बनाना चाहते हो, और ये यकीनन तुम्हारी उम्मीदों से ही जुड़ा हुआ है मामला।